अभी तक एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12th मैथ मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, देखो इधर देखो इधर देखो, 1-1, 5-1, 2-1, 5-1, 3, ठीक है। प्रूफ करना है या शो करना है या देखना है या चेक करना है कि ये क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होगा तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि बेटा किसी मैट्रिक्स की जो 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 कॉलम है उसको रो बना दूं या कॉलम को रो बना दूं, या तो कॉलम को रो बना दो या रो को कॉलम बना दो, ठीक है। हाँ मैं एक ही बात बोल गया, ठीक है। तो अब जब मैंने क्या किया, जो मेरी ए मैट्रिक्स दी हुई थी इसका मैंने क्या किया, ट्रांसपोज बना दिया, इसको बोलते हैं ए डैश, ठीक है। उस मैट्रिक्स का डैश लगा दो, ट्रांसपोज का मतलब बस कुछ नहीं करना, उसकी बेटा रो की कॉलम बना देनी है या कॉलम की रो बना देनी है, ठीक है। अब जब हमने कर दिया इसको, अब आप बोलोगे भैया वही का वही लिख दिया, अरे ज़रा चेक करो बेटा देखो, मान लो ये कॉलम है, अब इसको रो बना दो, तो 1-1 और 5 ऐसा कैसे तो आ गया। अब बेटा इसका कर दो ट्रांसपोज अगले वाले का, तो क्या लिखोगे, -1, 2, 1। अब हो क्या रहा है कि इसका ट्रांसपोज करने पे भी ये सेम मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। अगर इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर रहे हैं तो सेम टू सेम ए ही मैट्रिक्स आ रही है। और अगर ये कंडीशन हो जाए कि ए का ट्रांसपोज करूं और वो बिल्कुल सेम टू सेम ए की तरह ही दिखाई दे, जो कि दिख रही है मुझे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया जब ट्रांसपोज किया। तो अगला क्या है, अगला भाई चेक करना है कि क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है ये 0-1-1 पार्ट टू में 7th के -1-0-1, 1-1-0, ठीक है। तो बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होगी कि ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, है ना, और उस ट्रांसपोज का भी क्या नेगेटिव अगर ए के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो नॉर्मल था कि ए का ट्रांसपोज करो, अगर वो ट्रांसपोज सेम ए की तरह दिखाई दे तो हम मान लेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इस कंडीशन में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन में, अगर ए का मैं ट्रांसपोज करूं और वो भी नेगेटिव, तो ट्रांसपोज का क्या नेगेटिव माइनस अगर ए के बराबर आ जाए, मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो शुरू करते हैं, मैट्रिक्स ये रही, अब इसका पहले ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज किया तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी कॉलम को रो बना देंगे, तो क्या बना, 0-1, 0-1, 1, ठीक है, ये बन गई पहली रो। दूसरी क्या बनेगी, 1-0-1, ये लो जी बन गई इसकी दूसरी रो। अब तीसरे कॉलम की रो बनाऊं तो -1, 1, 0, -1, 1, 0, ठीक है, ये बन गया ट्रांसपोज। अब भाई क्या करना है, ये देखो ये सेम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन साइन उनके अलग है। यहाँ 0 तो 0 है, ये प्लस 1 है तो यहाँ पर, यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ, तो इसका ये मतलब है अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये सेम टू सेम ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो ए है मेरा, जो नॉर्मल मैट्रिक्स है वो, अब दोबारा से वो सेम, अगर मैं इसमें माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो यह माइनस 1 का क्या हो जाएगा, अगर मैंने माइनस 1 यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो 0 का 0 या प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि सेम टू सेम इसके बराबर है। यहाँ प्लस का 1 तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि सेम टू सेम इसके बराबर है। तो माइनस बाहर लेने पर मेरा क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीधा ए के बराबर हो गया, जो कि ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई ना कि ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रांसपोज ए, हो गई ना, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गई।